नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के अंदर नकली नोट गिरोह काफ़ी सक्रिय है। दो दिन पहले ही एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। नकली नोट वो सप्लाई कर रहे थे, यानी कि वो ग्राहक दुकानदारों को नकली नोट दे रहे थे और उसमें पुलिस की वो पकड़ में आ गए थे। और इसी तरह का ही एक मामला जमाल के श्री बालाजी किसान सेवा केंद्र, पेट्रोल पंप है जमाल गांव के अंदर, और वहां पर भी नकली नोट गिरोह की तरफ से इनको नकली नोट थमा दिए गए। हालांकि काफ़ी सातिर वो लोग थे और उन्होंने जैसे ही पेट्रोल डलवाया तो उसके बाद में जैसे ही पैसे जो पेट्रोल पंप के कारिंदे को देने लगे तो उससे पहले ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, यानी कि आगे घुमाना शुरू कर दिया। और जब तक पेट्रोल पंप का कारिंदा उसको समझ पाता, देख पाता नोट को, तब तक वो वहाँ से भाग गया। हालांकि कारिंदों ने अपने तरफ से उस कार चालक को आवाज़ भी दी, लेकिन वो कार चालक वो काफ़ी सातिर था और वो वहाँ से भाग निकला। और हालांकि अब इस मामले के अंदर पुलिस के अंदर शिकायत दी गई है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस तरह से नकली नोट सप्लाई करने का इस तरह का एक गिरोह वो काफ़ी सक्रिय है। तो फिलहाल जो पेट्रोल पंप के संचालक हैं नीरज गर्ग, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से ये क्या घटनाक्रम हुआ था। जी, कब का ये मामला है? जी, ये कल शाम 7:50 के लगभग का मामला है। जो बंदे आए थे वो नाथूसरी चोपटा की तरफ से आए थे और उन्होंने गाड़ी को नोर की तरफ से एंटर किया ताकि किसी को शक ना हो पाए कि वो बंदे नोर से आए थे या नोर की तरफ से आए थे या सिरसा की तरफ से आए थे। पर और जब तेल डलवा कर गए तो उन्होंने टर्न लिया, नोर की तरफ वापस चले गए ताकि इस मामले में भी शक ना हो सके। दूसरी बात, जब उन्होंने तेल डलवा कर मान लो पैसे दिए तो कारिंदे को गिनने भी नहीं दिए, उससे पहले वो भाग गए। मैं ऐसे बंदों से, क्योंकि वो कार लेकर आया था और काफ़ी रेपुटेड पर्सन लग रहा था और काफ़ी फाइनेंशियली साउंड भी लग रहा था, तो मैं इन लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप समाज को ख़राब मत करिए। इस तरह की घटना हमें झकझोर कर रख देती है, जिस कारण से हम रात को इन कारिंदों को मना कर देते हैं कि आप डीजल या पेट्रोल मत डालिएगा। समाज में हर तरीके के लोग आते हैं, कोई पेशेंट भी हो सकता है, कोई निजी वाहन में, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एम्बुलेंस में ही आए। रास्ते में कोई घटना हो तो निजी वाहनों में पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, तो उनको डीजल की सप्लाई मिलती रहे या पेट्रोल की सप्लाई मिलती रहे ताकि उनकी रास्ते में इलाज के अभाव में कोई अकारण मृत्यु ना हो पाए या कुछ और ना हो पाए। तो मैं ये इस घटना की बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, और अगर वो बंदा कोई गरीब होता तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल भी थी, पर वो बंदा कार लेकर आया है। जब आपके पास डीजल डलवाने के पैसे नहीं हैं तो आप समाज को क्यों ख़राब कर रहे हो? मेरे ये कुछ सवाल हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आरोपित को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज खराब ना हो सके। जी, कितने का तेल डलवाया था और कितने नकली नोट थे और कितने कितने के नकली थे वो? जी, उन्होंने 1500 का डीजल डलवाया था और उनमें से 1500 में से उन्होंने 4 नोट 100-100 के नकली दिए और एक 200 का नकली दिया, और इन सब नोटों को इस तरीके से सेट कर रखा था कि फॉर द मीन टाइम वो ऊपर ही ऊपर हो तो बंदा उसी टाइम पकड़ लेता उसको। पर जब तक बंदा पकड़ पाता, क्योंकि ऊपर एक असली नोट रख दिया, उसके नीचे एक नकली, उसके ऊपर एक असली, इस तरीके से नोट रखे हुए थे, तो जैसे सेल्समैन उसको संभाल पाता उससे पहले वो वहाँ से भाग चुका था। नोट जो टोटल दिए थे 1500, वो कितने कितने के थे? 100-100 के 11 नोट थे और 200-200 के 2 नोट थे, 1500 रुपये उन्होंने दिए थे। इसमें नकली नोट जो था वो कौन से कितने का कितने कितने नकली थे? 100 के 4 नोट नकली थे और 200 का 1 नोट नकली था। अब आपने क्या कार्रवाई की है? मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है जी, और यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द और उचित से उचित कार्रवाई हो। तो बिल्कुल, ये घटनाक्रम यहाँ हुआ है, नकली नोट गिरोह काफ़ी सक्रिय है। अभी 2 दिन पहले का ही मामला है, पुलिस के गिरफ्त में आए थे और वहीं इस तरह से पेट्रोल पंप के कारिंदों को नकली नोट थमा दिए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले के अंदर किस तरह से पूरा मामले को ट्रेस आउट करती है, क्या इस तरह के जो नकली नोट सप्लाई करते हैं उनको इलीगल तौर पर इस तरह से चूना लगाते हैं तो उन पर किस तरह की क्या कार्रवाई होती है।
अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।